हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। हम अपने इस ग्रह के बारे में कितना कुछ जानते हैं। सदियों से लोग पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाते आ रहे हैं। हमने इस ग्रह के ऊंचे ऊंचे शिखरों को छुआ है। हमने इस ग्रह के गहरे समुद्रों में गोता लगाकर उनकी गहराइयों को नापा है। हमने इस ग्रह के घने जंगलों में मौजूद रहस्यों को सुलझाया है। ऐसा लगता है जैसे आज 21वीं सदी तक हमारे इस ग्रह पर कोई भी रहस्य बचा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच है? भारत के बंगाल की खाड़ी में दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह अभी भी मौजूद है। किसी भी जगह का रहस्य तब सुलझता है जब वहां तक कोई पहुंच पाए। लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस जगह पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं। बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वैसे तो आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में जानते होंगे। ये इंडियन ओशियन में 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा टापू है। ये छोटा सा टापू बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद है। ना तो इस टापू पर कोई टूरिस्ट जा सकता है और ना ही इंडियन ओशियन में गश्त लगा रही नेवी। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी इस टापू पर रिसर्च करने की अनुमति नहीं है। तो सवाल ये है कि ये प्लेस इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्या ये कोई भूतिया जगह है या फिर यहाँ पर कोई जहरीली प्रजातियाँ रहती हैं? दरअसल इस छोटे से टापू पर लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। खैर, ये तो एक अनुमान है कि वहाँ पर इतने लोग रहते होंगे, लेकिन वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है जो वहाँ पर उनकी जनगणना करके उनका रिकॉर्ड रख पाए। वैज्ञानिक भी केवल इस जगह को दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस टापू की सैटेलाइट इमेजेस भी ली गई हैं। लेकिन इस टापू पर इतना घना जंगल है कि पता ही नहीं चल सकता कि इस पर रहने वाली प्रजाति किस तरह से रहती है और वो कितने लोग हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 60,000 सालों से इस टापू पर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूते हैं। आज हमने वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी तरक्की की है। हमने अंतरिक्ष में मिशन भेजे हैं। हम ऐसा कर पाए क्योंकि पूरी दुनिया ने एकजुट होकर हमारी टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस बनाया है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली ये प्रजाति खुद ही विकसित होती हुई आई है। लेकिन ये लोग बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन्हें नहीं पता कि टीवी क्या होते हैं, मोबाइल क्या होते हैं, इंटरनेट क्या है, आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन क्या हैं, समुद्र में चलने वाली शिप क्या हैं। ये तो तय है कि जब भी इनके पास से कोई शिप गुजरती होगी या इस टापू के ऊपर से कोई प्लेन गुजरता होगा तो वो इन्हें अजीब तो जरूर लगता होगा। वैज्ञानिकों ने इन्हें केवल दूर से ही ऑब्जर्व किया है, जिसमें उन्होंने जाना कि ये लोग शारीरिक तौर पर काफी मजबूत हैं और ये आज भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए धनुष बाण और भालों का उपयोग करते हैं। ये समुद्री जीवों को अपने हाथों से पकड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग खेती करना नहीं जानते और ना ही ये नाव बनाना जानते हैं। अब सबसे मजेदार बात ये है कि हमें अभी तक नहीं पता कि इस टापू पर रहने वाले लोग आग जलाना जानते हैं या नहीं, क्योंकि दूर से और आसमान से ऑब्जर्व करने पर इस बात के कोई भी ट्रेसेज नहीं मिले हैं कि इन लोगों ने कभी आग जलाई हो। क्या ये अपने खाने को कच्चा ही खाते हैं? हालांकि ये लोग झोंपड़ियां बनाना जानते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये एक अननोन लैंग्वेज बोलते हैं जिसको कोई नहीं समझ सकता। वैज्ञानिकों ने कई बार इस प्रजाति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वे हमेशा ही असफल रहे हैं। ऑफिशियली तो ये टापू भारतीय गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन इस प्रजाति से गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट इन लोगों के साथ कोई संपर्क इसलिए नहीं बनाना चाहती कि उन्हें डर है कि हजारों सालों से अकेली रह रही ये सभ्यता अगर किसी बाहरी इंसान से मिलती है, अगर बाय चांस बाहरी इंसान से इन पर कोई अननोन वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो जाए जो इस पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो टीकाकरण के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और हमारी बॉडी इस काबिल है कि हम किसी भी जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस से बच पाएं। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार इस टापू के लोगों का किसी बाहरी इंसान के संपर्क में आना खतरे से भरा नहीं होगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने 6 सेंटिनल निवासियों को किडनैप कर लिया। उनको कुछ समय तक अपने पास रखा। कुछ समय बाद ये 6 के 6 लोग बहुत बीमार पड़ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बचे हुए 4 लोगों को उस ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वापस छोड़ दिया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि इस जनजाति ने उस बीमारी से कैसे निजात पाई और उस बीमारी ने कितने लोगों को इस टापू पर बीमार किया और कितने मारे गए। तब से इस आइलैंड की और प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई क्योंकि बाहरी लोग कहीं इन तक ना पहुंच जाएं। इंडियन नेवी इस आइलैंड के आसपास पेट्रोलिंग भी करती है, लेकिन वो भी इस आइलैंड के 9 किलोमीटर दूर तक ही जा सकते हैं। ये टापू इस तरह से प्रोटेक्टेड है जैसे मानो इस पर कोई खजाना छुपा हो। लेकिन इस आइलैंड के वासी खुद ही बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गलती से भी कोई इनके पास चला जाए तो ये लोग उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं।
2004 में इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 2,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल प्रजाति की सहायता के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत तीर और भालों से किया और बाहरी मदद को नकार दिया। 2004 में आई उस आपदा में काफी जान और माल का नुकसान हुआ था। उस आपदा में सेंटिनल निवासी कैसे सर्वाइव कर गए ये कोई नहीं जानता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी लोग गैर कानूनी तरीके से इस जगह पर जाना चाहते हैं। 27 जनवरी 2006 में इंडियन फिशरमैन मछली पकड़ते हुए इस आइलैंड तक पहुंच गए, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। इस ट्राइब ने उन्हें खत्म कर दिया। आज तक इस टापू पर जो भी पहुंचा है वो वापस नहीं आया। 2018 में एक फॉरनर जॉन एलन चाउ ने 2 मछुआरों को $30,000 देकर इस आइलैंड पर जाने के लिए राजी कर लिया। चाउ ने इस प्रजाति से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नतीजा वैसा ही निकला जैसा हमेशा रहा था। उसे तीर और भालों का सामना करना पड़ा और कभी लौटकर नहीं आ पाया। वो दोनों मछुआरे बचकर निकल तो आए, लेकिन बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आज के दौर में ये आइलैंड बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये प्रजाति कैसे नेचुरल डिजास्टर के समय अपने आप को बचा लेती है, कैसे ये लोग सर्दी और गर्मियों को सहन कर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस प्रजाति के अलावा भी इस टापू पर कोई और रहस्य छिपे हुए हैं, ये भी हम नहीं जानते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।